सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो भाई आज की वीडियो भी होने वाली है रिलेटेड फूड के, और सच मानो आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज लग गई है कि मतलब उसके बारे में क्या ही तारीफ करूं, मतलब क्या ही तारीफ करूं, एकदम चुम्मा चीज जिसको कहते हैं ना, वो चीज मेरे हाथ लग गई है। मैं आप ने बताता सीधा आपको लेके चलता हूँ जहां पे मैंने जाना है आज वीडियो बनाने, बट वीडियो आज पूरी देखना नहीं तो पछताओगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना नहीं तो पछताओगे। क्या चुम्मा चीज मेरे हाथ में लगी, और मेरे को नहीं लगता है कि आज से पहले, मेरे से पहले किसी अमृतसर में किसी ने ये चीज आपको दिखाई होगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज की वीडियो जो है वो फूड के ऊपर होने वाली है, और अगर आपको आज की वीडियो ना पसंद आई तो आपके पैसे वापस। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, बट वीडियो आज पूरी देखना, ना पसंद आई पैसे वापस। तो चलो अब टाइम बिना वेस्ट किए चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे आज मैंने जाना है, और फिर आपको पूरा सीन जो है समझाता हूँ। जब हम एक रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, सबसे पहले जो मैटर करता है वो होता है रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर, वो आपने देख ही लिया। उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड थिंग जो है फूड स्पेशलिटी। अब मैं आपको असली चीज़ जो है अब दिखाऊंगा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि अमृतसर में, मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ कोई कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको क्यों आना चाहिए। भाई एक जो इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो ये है कि इस हर टेबल पे आपको जो है टचलेस मेन्यू की ऑप्शन जो मिल जाएगी, उस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस बारकोड जो है टचलेस मेन्यू, ये देखो, इसको स्कैन करना है अपने फ़ोन पे, और आपका जो है इस रेस्टोरेंट का मेन्यू आपके फ़ोन पे खुल जाएगा, और उधर से ही आप अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। प्लस उसके साथ हर टेबल पर आपको ये सैनिटाइज़र जो मिल जाएगा, सो थम्स अप फॉर दिस थिंग। तो भाई अब जो है मैं डाइनिंग के लिए बैठ चुका हूँ, और ऑर्डर मैंने दे दिया है। पहले आ रही है एक कोल्ड कॉफ़ी, और उसके साथ आ रही है जो हॉट कॉफ़ी, वो आती है तो उसको ड्रिंक करता हूँ, देन आपको उसका रिव्यू बताऊँगा कि क्या चीज़ है। कॉफ़ी जो है वो मेरे टेबल पे आ चुकी है, शॉर्ट्स आपने देख ली हैं, देखने में तो एक नंबर लग रही है। बाकी जो इस कॉफ़ी की स्पेशलिटी है वो आपको अब हमारे साथ ओनर बैठे हुए हैं वो बताएंगे। हाय एवरीवन, सलाम दिस साइड, आज सर आए हमारे साथ कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए, तो मैं आपको थोड़ा कॉफ़ी के बारे में खुद ही आज करके बताता हूँ। वी यूजिंग दीज बीन्स, कॉफ़ी लवर्स को पता ही होगा अरेबिका बीन्स क्या है। दिस इज़ लाइक व्हाट आई यूज इज 100% अरेबिका इन माय आउटलेट। हम कुछ भी इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बीन्स को हम प्रोक्योर करते हैं मार्केट से, उसको खुद ही इन हाउस ग्राइंड करके हमारा बरिस्ता आपको कॉफ़ी प्रिपेयर करके देगा। ये ऑल दी ऑप्शन हेयर, जो भी आपको फ्लेवर्स चाहिए, कैरमल, हेजलनट, वनीला, आयरिश, ऑल दी ऑप्शन आर अवेलेबल। उसके अलावा हॉट और कोल्ड, वॉट एवर यू लाइक, वीट, वॉट एवर सीजन, जो आपको कॉफ़ी चाहिए हमारे पास अवेलेबल होगी। टॉकिंग अबाउट द बीन्स, इन बीन्स की स्पेशलिटी ये है कि जी ये मीडियम रोस्टेड बीन्स है, इनका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक टेस्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सटल फ्लेवर रहेगा। एक कॉफ़ी बीन में जो एक बिटरनेस होती है वो आपको इन बीन्स में बिटर नहीं लग रहा है, इसकी बिटरनेस नहीं आएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइन प्रोड्यूस है, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की कॉफ़ी। तो भाई अब जो है कॉफ़ी का टेस्ट मैं करने लगा हूँ, और बताता हूँ आपको क्या है। ओए भाई, मतलब सच्ची में नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉफ़ी इतनी टेस्टी लगी है कहीं की। कैन यू बिलीव, आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, बट दिस कॉफ़ी इज़ ऑन अनदर लेवल। तो जो है अपनी सेकंड आइटम वो टेबल पर आ चुकी है, जो मैंने मंगवाया नॉनवेज प्लेटर। अब इसकी स्पेशलिटी देखो, जैसे कि आपको हैरी जी ने बताया, अभी यहाँ पे हमने सारा कुछ मिक्स करके उनको प्रोवाइड करवाया है, सो दैट वो टेस्ट करें। अदरवाइज़ हमारे पास सारी ऑप्शंस बाय पोर्शन अवेलेबल हैं। ये चिकन कलमी है, ये रेशमी कबाब है,
ये पुदीना ऑमलेट सीख है, चिकन सीख के ऊपर ऑमलेट की रैपिंग होगी, ये लहसुनी मुर टिक्का है और ये मटन गलोटी कबाब। तो आओ अब ये सारा कुछ जो है ट्राई करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। वैसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज सारा कुछ ही लग रहा है। तो भाई फर्स्ट डिश जो मैंने ट्राई करी मटन गलोटी कबाब, ये मैंने ट्राई किया और ये देखो कितना अच्छा, ये देखो कुक हुआ है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये मटन खा रहा हूँ। और मुंह में डालते ही मलाई के जैसे घुल गया मुंह में, मतलब पता नहीं चला कि मटन खाया। तो जो अब है अपनी सेकंड जो है डिश, सेकंड आइटम, वो मैं ट्राई करने लगा हूँ। ये है लहसुनी मुर्ग टिक्का। भाई का कहना है कि इसमें जो पूरा लहसुन का फ्लेवर है वो आएगा। और ये देखो, मतलब कुक हर एक चीज़ अपने बेस्ट पे है। भाई मज़ा आ गया खा के, ट्रस्ट मी, एक एक चीज़ का जो टेस्ट है वो अलग है। ये नहीं लग रहा कि सारा कुछ इकट्ठा ही मतलब बना दिया एक ही मसाले में, अलग अलग मसाला, अलग अलग जो चीज़ की स्पेशलिटी है उसमें दिख रही है कि हाँ ये चीज़ है इसमें। तो भाई एक एक डिश का मतलब पता चल रहा है कि मुंह में जाते घुलती जा रही है। सो अब अपनी नेक्स्ट डिश जो है वो ट्राई करने लगा हूँ। नेक्स्ट आइटम ये है चिकन कलमी कबाब। मतलब मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो चुके हुए हैं, वही मैं बोलूँगा कि सारी चीज़ें मुंह में जाके ऐसे घुल रही हैं जैसे मलाई खा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि मैं फूड रिव्यू कर रहा हूँ या मलाई रिव्यू कर रहा हूँ। सो भाई टेस्ट तो आपको बता ही दिया है, अब मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हर एक आइटम एक ग्लास, यही कह सकता हूँ कमेंट में खाता हूँ। और इसके बाद आपको सीधा दिखाऊँगा नेक्स्ट आइटम जो कि होने वाली है, समझ जाओ इस इशारे को। तो भाई अब आपको समझ लग गया होगा कि क्या चीज़ मैं आपको बोल रहा था। जो अमृतसर में आई थिंक फर्स्ट ईयर रेस्टोरेंट है जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं टेबल पे आके, वो भी सबसे पहले हैं फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद चीज़ स्टिक, चीज़ स्टिक विद ब्लैक पेपर बारबेक्यू सॉस, यही है जो बोल रहे हैं। खा के फिर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। वेज सिजलर मैंने ट्राई कर लिया, इसमें आपको नॉन वेज की भी ऑप्शन मिल जाएगी। इसमें क्या क्या आइटम्स आई थी वो मैंने आपको बता दिया है, भाई ने आपको बता दिया सारा कुछ। और इसमें आपको नॉन वेज की भी आइटम्स आ जाएंगी। नॉन वेज में क्या क्या मिलेगा वो भी आप एक बार सुन लो। सर हमारे पास ड्रंकन सिजलर्स की ऑप्शन रहेगी, वो आपको चीज स्टिक सिजलर जो हमने आपको दिया है ये आपको पनीर में भी मिल जाएगा, आपको चिकन में भी ऑप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास इंडियन सिजलर होंगे जो कि ड्रंकन नहीं होंगे, बट एज़ पर गेस्ट डिमांड हम उसको भी फ्लांबे कर सकते हैं। जो पूरा मेन्यू जो हमारा रहेगा वो एज़ पर गेस्ट चलेगा, हम कस्टमाइज करते रहेंगे उसको। अपनी अगली आइटम जो की है वो टेबल पे आ चुकी है, मेरे सामने ही है। इसका नाम है नांजा और ये इन्वेंट भी जो डिश है इन्होंने ही किया है। ओके, तो ये हमारा नांजा है जिसको हम सिंस ओपनिंग अमृतसर की ऑडियंस के लिए हम इंट्रोड्यूस करके आए हैं। ये स्टार्टिंग हमने इसकी वेज और नॉन वेज ऑप्शन में की थी और हम इंडियन टॉपिंग्स देके चल रहे थे। हमारे पास इसमें कढ़ाई पनीर, पनीर मक्खन वाला, पनीर खुरचन की ऑप्शन थी। सिमिलरली हमारे पास चिकन में चिकन मक्खन वाला, चिकन खुरचन और चिकन कढ़ाई की ऑप्शन थी। बट डिमांड इतनी थी इस आइटम की कि लोग हमें आके खुद ग्रेवीज ऐड करवा रहे थे इसमें, खुद लोगों ने हमें सजेस्ट करा कि आप चाइनीज़ नांजा भी प्रिपेयर करो। इसीलिए आज हमने आपको एक मिक्स चाइनीज़ नांजा दिया है जिसमें हमने पनीर, मशरूम और बेबी कॉर्न की टॉपिंग डाल के चाइनीज़ ग्रेवी में उसको टॉस करके वो आज नांजा आपको प्रिपेयर करके दिया है। और इसको मैं ट्राई करके फिर आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। बेसिकली आप देख सकते हो ये एज अ पिज़्ज़ा आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये समझना मत पिज़्ज़ा है, ये नांजा है। क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस दोनों आपको इसमें मिलेंगी।
और टॉपिंग आप जो देख ही सकते हो भाई ने, बाकी आपको बता ही दिया। बाकी एंड पे बात भाई वही आती है कि मैं तो वीडियो में आपको बता दूंगा, आप खुद आओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ, फिर ही बात बनेगी। सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, तंदूरी भी, सिजलर भी ट्राई कर लिया और नांजा भी मैंने ट्राई कर लिया, जो कि एक बिल्कुल ही न्यू डिश है मेरे लिए, आज तक मैंने कभी नहीं ट्राई करी, फर्स्ट ट्राई था और ऑसम। तो जिस तरह की ये एम्बियंस बनी हुई है वो हर एक ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। आपने बर्थडे पार्टी करनी है या आपने फैमिली साथ डिनर करने आना है या फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है, तो परफेक्ट आपको जो है जगह ये मिलेगी। बाकी इस जगह का जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने आना है उधर से चेक कर लो। बाकी एंड में हमारे भाई कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे हैरी जी ने आपको बताया, हम 3.5 महीने से कहते हैं बिजनेस में हैं एंड सिंस देन आपका कांस्टेंट लव और सपोर्ट की वजह से हम स्लोली और स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स को खाना अच्छा लग रहा है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। ये मेरा ओपिनियन और हैरी जी का ओपिनियन है। आप खुद आइए, मेन्यू में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप आगे एक्सप्लोर कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और सजेशंस दीजिए, बिकॉज जब तक आप आओगे नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट ऑल वी हैव ऑन ऑफर फॉर यू। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें हमारे इंस्टा एंड फेसबुक हैंडल्स पे प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू। थैंक यू सो मच भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मेरे को बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जो कि न्यू है मेरे चैनल पे। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ हैरिस लाइफस्टाइल।